दुर्ग जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमला हुआ है, जिस प्रकार से उन्हें पीटा गया है और पुलिस उस पर अभी भी संज्ञान नहीं ले रही है, संज्ञान में अगर ये घटनाक्रम मीडिया तक पहुंचा है तो पुलिस इसे संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है। जिस प्रकार से ये घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, पहले कवर्धा में हुआ, कवर्धा में जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में दुर्ग में लगातार ये घटना पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि आप अपने राजधर्म का, नैतिक धर्म का पालन करिए। आपको नैतिक धर्म का पालन करना चाहिए और मेरी मांग है कि जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ है उन्हें संज्ञान में लेकर पुलिस, जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उन्हें गिरफ्तार करे और उस पर एक्शन करे। ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी 4 साल में इस सरकार ने अधर्म के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, चाहे भगवा ध्वज का मामला हो, चाहे वो धर्मांतरण करने का मामला हो, साधु संन्यासियों को अपमानित करने का मामला हो, इस सरकार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। इसके पहले भी पिछले साल बिलासपुर में नागा साधु की खुलेआम पिटाई की गई थी, कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हुआ था और दुर्ग में जिस प्रकार की घटना घटित हुई है, बहुत ही अपने आप में दुखद और चिंतनीय विषय है कि समाज को आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोग कहां ले गए हैं और इस सरकार के संरक्षण में इनके नेता और इनके गुंडे इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद विषय है। हिंदू समाज इस कृत्य के लिए कांग्रेस पार्टी इनके नेताओं को माफ नहीं करेगा। जो भी घटना यहाँ पर घटित हो रही है, पूरे घटना को सरकार का संरक्षण है, सरकार के सह में यह सारा नंगा नाच हो रहा है, जिसके लिए प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी।